जो गंगा जल पीते हैं भैया वो ही जानते हैं गंगा जल का मतलब क्या है। क्योंकि गंगा में तीन चीजें हैं निरंतर, ये विष्णु के चरणों से निकली है तो भक्ति योग सिद्ध करती है, ये ब्रह्म का मंडल में बैठी है ब्रह्मा जी के हाथों में तो कर्म योग सिद्ध करती है, और ये डटी हुई है भगवान शिव के माथे पर तो ये ज्ञान योग सिद्ध करती है, ये भगवान शिव के मस्तक पर डटी हुई है। भगवान शिव ने पूरी जटाओं में उलझा कर रख लिया इसे। भगवान शिव ने कहा यह ऐसा द्रव्य है कि एक ही कण इसका धरती पर जाना चाहिए, एक धार एक जटा में से निकली है बस, बाकी शिव के मस्तक में उलझी हुई है गंगा। शिव का माथा छूकर इस गंगा को ज्ञान योग मिल गया, विष्णु के चरण छूकर इसे भक्ति योग, और ब्रह्मा के कमंडल कर को छूकर इसे कर्म योग की सिद्धि मिली है। इसलिए गंगा ये तीन योग सिद्ध कर देती है। हमारी संस्कृति में तीन ही योग बताए गए हैं मुख्य, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग।